और देखने में ऐसा लगता है ये देखो ऐसा डरा रहा जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, लड़की है क्या है, और जबकि वो बहुत पीछे बैठा था और मेरे कैमरे में झांक रहा है वो। फिर मैंने उसको बोला, तब वो मेरे को बुलाता है कि भाई किस लिए वीडियो बना रहे हो, क्या बना रहे हो, कैसा क्या फलाना ढिकाना। अभी वो लगा देगा तो भैया आप घर पहुंच जाएंगे, पैसे थे नहीं। आज का मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। वेलकम टू माय चैनल शान, अपना ग्लो स्टार्ट करते बड़े शान से। सभी को पहले गुड मॉर्निंग दोस्तों, बज रहे 10:30 और फाइनली आज मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैंने नींद पूरी करी है और आराम से उठ के इंजॉय से मिल रहा है। ये साढ़ पीछे भेमी क्या कर रहा है, किसी का स्कूटर खराब होगा, किसी का बाइक खराब होगी। मैं तो भाई साहब रात को क्या सीन हुआ था, रात को हो गई थी हमारी बाइक पंचर हो चुका है बाइक पे। इतनी दूर से पैदल चल रहे हैं, देखते हैं कहाँ मिलती है अभी पंचर जोड़ने वाली दुकान। एक दुकान देखी पीछे कि वहाँ पंचर जुड़ेगा, लेकिन उधर ही पंचर नहीं जुड़ा क्योंकि दुकान ही बंद है, तो कहाँ से जुड़ जाएगा। भाई धक्का देते हुए भाई पास बैल चल रहे हैं, काम डल गया भाई का। देख लो भाई जब जल्दी जाने का मन होता है ना तब ये दिक्कतें होती हैं, तो सोच रहे जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन फाइनली एक दुकान दिखी है वो ही सामने पेट्रोल पंप के सामने है, तभी लेते हैं यहाँ हो जाएगा जुगाड़ सेट। और भाई ला रहे हैं बाइक उधर से घुमा के। टायर में देख लेना भाई कहीं कील वील हो अंदर। वो देखो पंचर काम कर रहा है, चल रहा है। पंचर हो गया हो और आपका पैसे ना हो और आपको घर जाना हो जल्दी, क्योंकि घर जल्दी जाना था और जल्दी जल्दी में ये पंचर हो जाता तो बहुत ज़्यादा, और रात के टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो फाइनली पेट्रोल पंप के पास एक तो पंचर वाला मिल गया, जिससे कि अभी वो लगा देगा तो भैया आप घर पहुंच जाएंगे, पैसे थे नहीं। फिर बाद में पता लगा कि फ़ोन पे में कुछ पड़ा था, ये फ़ोन पे भी लेता है, तो फ़ोन पे का चलो कुछ तो फ़ायदा हुआ। देख लो भाई ये है, ये दो चीज़ें मिली इसके अंदर से, ये दो बदमाश चीज़ें हैं जिनके वजह से पैदल चलना पड़ा इतना। देख लो क्या है भैया, एक पंचर 50 का बोला है तो मतलब दो पंचर खोल दिए उसने 50। अगर बैठ के आते हैं तो पूरे टायर की लंका लग जाती। एक बंदा था पीछे से इतनी तेज चिल्लाता है करके, मैं भाई मैं क्या क्या हो गया इसको, ऐसा डरा रहा जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, लड़की है क्या है, और जबकि वो बहुत पीछे बैठा था और मेरे कैमरे में झांक रहा है वो। फिर मैंने उसको बोला, तब वो मेरे को बुलाता है कि भाई किस लिए वीडियो बना रहे हो, क्या बना रहे हो, कैसा क्या फलाना ढिकाना। मैंने कहा यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके बाद समझ में आई अच्छा यूट्यूब के लिए। फिर उसने देखा कि अच्छा ये वीडियो है, मैंने कहा हाँ ये वीडियो, फिर उसको दिखाया, फिर चैनल सब्सक्राइब कराया। अब इतनी तकलीफ तो फिर, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ भैया, कोई अगर काम, कोई अगर वीडियो बना रहा है, कोई अपनी वीडियो बना रहा है, मैं अपनी शक्ल दिखा रहा हूँ, अपनी वीडियो बना रहा हूँ और मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, भाई तुझे क्या तकलीफ है,
तो ऐसे लोगों को यही कहना चाहिए, ऐसे पीछे चिल्लाए मत, तो बंदे का हाथ से मोबाइल छूट सकता है, कैमरा छूट सकता है, बाई चांस ऐसे चिल्लाए शॉक धक्का भी लग सकता है, ऐसा हिल जाता है यार। तो आपने वो सब देखा, अब मैं फ्रेश वेश हो खा के अब मैं आ चुका हूँ किचन के अंदर। आप देख सकते हैं आज मैं कुछ ऐसी डिश बनाऊँगा, क्योंकि घर वाले हैं नहीं तो समझ जाओ, मम्मी नहीं है, भाभी नहीं, तो कोई नहीं, तो खुद ही बनाना पड़ेगा। तो कुछ बनाते हैं आज। मिर्च की ज़रूरत है, तो मिर्च के लिए मिर्च हो गई हैं और बस। तो मैंने धनिया मिर्च और प्याज ये काट दिया है, तब इसके अंदर मिलाते हैं अंडे, अंडे को मिलाकर फिर कुछ करते हैं ब्रेड के साथ, कुछ काट पीट के आ दो। मिक्स कर दिया मैंने, ये बन गया मसाला। तो अब डालूंगा ब्रेड के अंदर, पहले ब्रेड को काट लेता हूँ मैं। रेडी कर दिया, ये बना दिया मैंने और बहुत मुझे नहीं पता कैसा बना है, क्या है कैसा पता नहीं भैया, ट्राई कर लेते हैं जरा हल्का सा और देखने में ऐसा लगता है। ये देखो बनाने के बाद थोड़ा सा किचन गंदा हो जाता है, तो साफ कर देता हूँ भैया थोड़ा बहुत, क्योंकि भैया साफ सफाई थोड़ी जरूरी है, और साफ करेगा कौन अगर मैं नहीं करूँ, क्योंकि घर पे कोई तो है नहीं। तो अपने ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट मार देना, और ये बहुत सारा काम है तो उसका चक्कर में वीडियो बना नहीं पाऊंगा, क्योंकि कैसे पकड़ो एक हाथ से, क्योंकि ये वाला जो बनाया है मैंने, ये ब्रेकफास्ट जो बनाया है इसमें इतनी डिफिकल्टीज हुई है कि इधर से कैमरा पकड़ो उधर से कैमरा पकड़ो, क्योंकि कोई है नहीं, तो बहुत सारा काम है तो भी करना है, तो वीडियो पता जल्दी जल्दी में नहीं बन पाती, क्योंकि जल्दी अगर आपको काम है तो वीडियो बनाएंगे या फिर काम करेंगे, तो पहले काम हम कर देता हूँ, तो इसलिए इस ब्लॉग को यहीं खत्म कर देता हूँ। और लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि जो मेरे पास व्यूज़ आते हैं वो सब्सक्राइबर्स 7% आते हैं, नॉन सब्सक्राइबर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है वो 93% आते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों
सब्सक्राइब कर दिया करो यार, ताकि अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे अच्छा लगे, हाँ मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हम लोग अगले ब्लॉग में, बाय दोस्तों।